दोस्तों इंग्लैंड की ये हार न सिर्फ ना इंग्लैंड को चुभेगी नहीं, WTC के पॉइंट्स टेबल में भी इंग्लैंड का हिल चुका है, छठे स्थान पे पहुंच चुकी है, श्रीलंका पांचवें स्थान पर है। तो WTC के पॉइंट्स टेबल में इंग्लैंड की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब नज़र आ रहे हैं। 16 मैच अभी तक इंग्लैंड ने खेले हैं जिसमें से 8 में जीत मिली है और 7 में हार का भी सामना करना पड़ा है और एक मैच ड्रॉ रहा है। तो वही है ना, इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट में ना पिछले कुछ सालों में भी बेहतरीन नहीं चल रहा, वो हमेशा ही बेसबॉल के नाम से ना अपनी क्रिकेट को और बर्बाद कर रहे हैं ऐसा लग रहा है मैकलम के आने के बाद। कुछ ना क्रिकेट में स्टार्टिंग में इंग्लैंड ने बहुत ही नाम कमाया था टेस्ट क्रिकेट में जब ब्रेंडन मैकलम उनके हेड कोच बने थे, लेकिन उसके बाद भारत के खिलाफ तो सीरीज में मिली हार, अब ये हार और WTC पॉइंट्स टेबल में दोनों बार में फाइनल में नहीं पहुंचना। पहला WTC फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड पहुंचे थे, दूसरे में भारत और ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे, तीसरे में भी भारत ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका भी सभी टक्कर में है, लेकिन इंग्लैंड की इस बार भी फाइनल में पहुंचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। तो WTC के पॉइंट्स टेबल में भारत ने तो जहाँ पे बहुत बेहतरीन परफॉर्म करा, तो इंग्लैंड के लिए ये हार ना बहुत ज़्यादा चुभने वाली है और ये हार का स्वाद सालों तक याद रखेगी इंग्लैंड की टीम, क्योंकि इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराना, वो भी श्रीलंका को, जो हर कोई समझ रहा था कि श्रीलंका की टीम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है इस सीरीज़ में और इस टूर में, एक मैच भी उनके लिए जीतना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। और जब पहली पारी होने के बाद श्रीलंका की, जब इंग्लैंड लीड ले चुका था काफ़ी रनों से, तब लग रहा था श्रीलंका तो कभी कुछ कर ही नहीं पाएगी, इस मैच में भी हार जाएगी और लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ेगा श्रीलंका को, लेकिन ऐसा हुआ बिल्कुल भी नहीं, इसका बिल्कुल अपोजिट हुआ। श्रीलंका ने फिर से एक फाइटिंग स्पिरिट दिखाया और बहुत ही तगड़े तरीके से फाइट किया, मतलब पहले बार के लीड लेने के बाद भी दूसरी पारी में इंग्लैंड के बल्लेबाजों को 156 पे ऑल आउट कर दिया, जो कि इंग्लैंड के पूरी सीरीज में बल्लेबाज डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे थे, श्रीलंका में हावी हो रहे थे श्रीलंका के गेंदबाजों पर, उनको 156 रन पे ऑल आउट करना ना बहुत ही बड़ी बात होती है। तो ये श्रीलंका की जीत हुई और श्रीलंका के फिर उसके बाद बल्लेबाजों ने ना सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर ही 219 रन का टारगेट को अचीव कर लिया, जहां पे सबसे अहम रोल था निशांका का, जिन्होंने 127 रन के नबात पारी खेली। तो वही है ना, श्रीलंका ने बिल्कुल अपनी फाइटिंग करी है और इंग्लैंड को हराया, सिर्फ हराया ही नहीं, इंग्लैंड को छठे स्थान पे धकेल दिया है WTC के पॉइंट्स टेबल में। तो यहाँ से इंग्लैंड के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा सफ़र तय करना फाइनल के लिए। होप बिल्कुल भी ना के बराबर है कि इंग्लैंड इस बार भी क्वालिफाई कर पाएगी फाइनल के लिए, WTC के नहीं कर पाएगी। मेरे को ऐसा बिल्कुल, मेरा ओपिनियन है कि इंग्लैंड का क्रिकेट थोड़ा बहुत टेस्ट क्रिकेट में ना ज़्यादा से तेज़ी, बेसबॉल के रूल के हिसाब से, रोटेशन पॉलिसी के हिसाब से इंग्लैंड ने अपनी क्रिकेट को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर दिया है, अपने खिलाड़ियों को इतना रोटेट कर दिया है, मेन खिलाड़ी को नहीं खिलाते, बहुत सारे खिलाड़ियों को चेंजेस करते हैं चांस देते, तो वही चीज़ें इंग्लैंड को बैकफायर कर रही है सारा। अब दामोदर जितना भी होता है, जितना भी डिपेंड होते हैं ना मिडल ऑर्डर में, जो रूट के कंधों पे सारी जिम्मेदारी सौंप देते हैं और जो रूट जिस मैच में नहीं चलते इंग्लैंड वो मैच ज़रूर हारता है, और जो रूट जब के बल्ले से जब रन निकलते हैं तो इंग्लैंड को जीतने से नहीं रोक सकता। तो इंग्लैंड को ये चीज़ों बारे में आगे सोचना पड़ेगा कि वहाँ कहाँ गलती हो रही है, लगातार 2 साल के WTC के फाइनल में जगह नहीं बनाया, इस बार भी नहीं, तो 3 साल WTC के फाइनल में नहीं, वो टीम जो कि टेस्ट क्रिकेट ज्यादा खेलती है, वो अगर वही WTC का फाइनल नहीं खेलेगी तो ये बहुत ही ज्यादा चिंता की बात है इंग्लैंड क्रिकेट के लिए। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो चलेगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।